तबीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा है, बिल्कुल सहारे के बगैर, और मज़ीद पेन में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि मैं पेन फान इधर देखो, फान जा रहे स्कूल, अब फान तैयार होके स्कूल जा रहे हैं और बाकी चले गए सब बच्चे, पापा तैयार कर रहे हैं इनको। खाना खा लिया आपने? और लंच में क्या ले आ रहे हो, क्या लोगे आप वहां से? ले लो बिस्किट। बच्चे सब चले गए, मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा ले रेस्ट करूँगी, क्योंकि बच्चों के जाने की वजह से थोड़ा उठना पड़ता है, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं तिलावत लगाती हूँ, सुबह की मेरी रूटीन है। कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। Assalamualaikum, this is me Sadia Irfan, welcome to my channel. I hope कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको एक नए दिन के साथ और थोड़ी सी एनर्जी के साथ, इसलिए क्योंकि आज तबीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा है, बिल्कुल सहारे के बगैर, और मज़ीद पेन में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि मैं पेन किलर भी ले रही हूँ, एंटीबायोटिक्स भी ले रही हूँ, और जो भी मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किए हैं वो सब ले रही हूँ, लेकिन मसला ये है कि दर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और आज से हस्बैंड की जो छुट्टियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई थी, वो भी चले गए, और इसके साथ साथ बच्चे भी सब चले गए थे, तो मैं अकेली थी और लेटी भी थी, क्या करती, कोई काम तो होता नहीं मेरे से, इसलिए मैं लेट गई। बच्चों को तो खैर हस्बैंड ने भेज दिया था, खाना वाना भी खिला दिया था सुबह का और तैयार भी कर दिया था, लेकिन अब वो आ गए थे, अफान आ गए हैं और उनको कपड़े वगैरह चेंज करा दिए हैं, खुद ही बच्चे ने पहन लिए, खुद ही नहा लिए, खुद ही कपड़े पहन लिए, जैसे तैसे भी नहाए और कपड़े भी पहन लिए उन्होंने। और बस यही अभी तक की अपडेट है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी आयशा भी आने वाली हैं, फिर उन्हें पढ़ाऊँगी और फिर ट्यूशन मदर से भेजूँगी, और देखते हैं फिर सारा दिन क्या रूटीन रहती है। रहिएगा मेरे साथ, डोंट गो एनीवेयर। चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले। और ये हमारे रूम का फाइनल लुक, जो कि हमने अपने कलर चेंज किया है वॉल्स का, और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही प्यारा कंट्रास्ट है। आयशा कैसा लग रहा है कलर? अच्छा लग रहा है, नाइस। तो ये हमारे ड्राइंग रूम का फाइनल लुक, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है देखें। और ये पर्दे वगैरह भी हमने, कर्टन्स भी लगा दिए हैं, कलर भी बिल्कुल फाइनल हो गया है एकदम डबल कोट करके। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं डेकोरेशन की वो लगानी है बस मुझे, अभी दिन का टाइम है। कल सारा दिन, मतलब सारा दिन नहीं, यानी कि शाम में स्टार्ट किया था 5 बजे के बाद, तो रात तक इन्होंने किया था कलर जो भी हुआ था, और उसके बाद फिर ये हम लोग बहुत थक गए थे। मैंने तो खैर नहीं करवाया था कुछ भी, क्योंकि मैं करवा भी नहीं सकती थी, वरना अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं पूरा इनके साथ हेल्प कराती। अच्छा, ये वीडियो में ये ब्लू कलर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन वैसे दिखने में ये बहुत प्यारा कलर है, पर्पल और ब्लू का कोई मिक्सचर का कलर है, ये बहुत हसीन कलर लग रहा है, इसके साथ कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा जा रहा है। और सोफे वगैरह भी सेट कर दिए हैं यहाँ पर, और रंग भी बिछा दिया है। अब जो है ना नेक्स्ट उसमें कलर हो रहा है रूम में, दूसरे वाले रूम में, ये जो हमारा टीवी वाला रूम है ना, इसमें अब अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि कलर अभी ख़त्म हो गया है। अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट संडे को या सैटरडे नाइट में हम ये करेंगे, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे जॉब पर,
और फिर सैटरडे की नाइट को या फिर जो है ना संडे की सुबह में ही करेंगे। नेक्स्ट वाला रूम जो टीवी वाला रूम है उसमें भी हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ बस अब ये जो आगे वाला रूम है ना हमारा बेडरूम जो है वो, ये वाला तो बच्चों का रूम है और आगे वाला जो हमारा रूम है उसमें ये कर रहे हैं, क्योंकि ये पिंक कलर भी काफ़ी सारा था तो उनका एक वॉल पे हो जाएगा आराम से और बाकी तीन वॉल्स पे अलग कलर करेंगे। नहीं तो वो दिखाती हूं मैं। इस वाले रूम के एक वॉल पे कलर हो गया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है ना। और दूसरी वॉल पे भी अब होगा क्योंकि अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा है। यहाँ पर अफान टीवी देख रहे हैं स्कूल से आकर, और ये मोटू पतलू इनका फेवरेट है। अम्मी के यहाँ से आया है हड्डी गुट्टी का पाए का सालन, लेकिन अफान जिद कर रहे हैं कि उन्हें अंडा ही खाना है, लेकिन आप मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा, लेकिन अल्लाह जानता है मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा, लेकिन बच्चा है क्या करूँ, मैं माँ हूँ ना आखिर। मैं ये सोच रही चलो यार बच्चा मेरा कुछ तो खा लेगा, अंडा खाने आती हूँ बच्चे को और फिर मदरसे के लिए तैयार करती हूँ। करेले रखे हुए थे थोड़े से फ्रिज में, वो गर्म कर रही हूँ। हो गया अफान को अंडा खिलाते हैं। की आवाज आई है, आयशा बस आने वाली है, फिर खाना खाएंगे हम दोनों। अफान को तो दे दिया है, आयशा का वेट कर रही हूँ। आयशा आ जाए। इन अ विलेज देयर इज अ वेल नियर आर हाउस। वी लिव इन अ विलेज there is a well near our house. अब आप पढ़ो। आवाज आई मूंगफली वाला आ गया ले लो गरम मूंगफली ले लो दोबारा पढ़ो। इतनी